फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। भारत में सीए लागू होने के बाद सहादरा जिला के एडिशनल डीसीपी ने खुरेजी खास में लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सहादरा जिला की जगतपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरेजी खास का चौपाल है। यहाँ पर सहादरा जिला के एडिशनल डीसीपी टू विष्णु कुमार व विवेक बिहार डिवीजन के एसीपी जगदीश प्रसाद और जगतपुरी थाने के एसएचओ अभिषेक व पुलिस टीम के साथ पेट्रोलिंग की, जहाँ मिलजुल के रहने के लिए अपील भी की। देख सकते हैं कि एडिशनल डीसीपी टू विष्णु शर्मा उनके साथ जगतपुरी थाने के एसएचओ पैरामिलिट्री फोर्स व एसीपी ये तमाम पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हैं, जो कि गीता कॉलोनी, आराम पार्क, परवाना रोड, जगतपुरी, खुरेजी खास इन इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सुने क्या कुछ कह रहे हैं एडिशनल डीसीपी विष्णु। हमारी सतर्कता बहुत पहले से ही मेंटेन्ड है। पिछले 15 दिनों से हमें नॉलेज थी कि सीए लागू होने वाला है। इसके तहत हमने काफ़ी मीटिंग कराई हैं, अमन कमेटी की और मोहल्ला की सबकी मीटिंग कराई गई हैं और पुलिस पेट्रोलिंग भी लगातार दर पे कर रही है। अभी हमने कल शाम से यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स को बुला करके भी फ्लैग मार्च कराया है। जो भी एरिया सेंसिटिव थे पिछली टाइम जब 2020 में ये कानून लागू हुआ था, तब जो प्रोटेस्ट हुए थे उसको लेकर के पुलिस पहले से ही सेंसिटिव है और पब्लिक को सेंसिटाइज किया गया है कि इसमें किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है, इसमें सिर्फ दी जा रही है। तो ये मैसेज क्लियर किया गया है कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। यही मैसेज सबको पास ऑन करना ज़रूरी है। मीडिया के सामने भी मैं यही बताना चाहूँगा कि मीडिया भी इसी मैसेज को फैलाए कि ये किसी की नागरिकता नहीं लेने वाला है, ये सिर्फ देने वाला है उन नागरिकों की जो धार्मिक रूप से प्रसिक्यूट हो रखे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बसे हुए हैं, और ऐसे बहुत ही कम नंबर हैं जो पूरे इंडिया में इससे अफेक्ट होने वाले हैं। तो भारत के मुस्लिमों को और हिंदुओं को कोई किसी से परेशानी की जरूरत नहीं है और पुलिस आपके साथ है। धन्यवाद। आप मैं तो कंबाइन कर लूँगा, मुझे कंबाइन कर लेंगे ना आप, एक सिंगल और एक कंबाइन कर।